वो मैं इसमें डालूंगी और अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे और माशाल्लाह मैं आपको काट के भी एक दिखाती हूँ ये देखें माशा रोटी रहूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद आज मैं फिर हाजिर हुई एक नई और बहुत ही मज़ेदार हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी के साथ स्नैक्स की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक मरतबा आपके घर में बनेगी तो इंशाल्लाह बाद में हर कोई फरमाइश करके बनवाया करेगा क्योंकि इस रेसिपी में आपको कोरियन और पाकिस्तानी खानों का टेस्ट एक साथ मिलने वाला है बहुत ही आसानी के साथ और वो भी बहुत कम बजट में तो वीडियो एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें तो चलिए चलते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी सॉस तैयार करेंगे यहाँ पे मेरे पास है टमाटो कैचअप तीन टेबल स्पून है रेड चिली सॉस है ये भी तीन टेबल स्पून है बहुत ही माशाल्लाह स्पाइसी और मज़ेदार सी रेसिपी है इन सारी चीज़ों को जो है ना वो हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से मैं इसको साफ़ करूँगी और अब यहाँ पे मेरे पास है शक्कर ये वन टेबल स्पून है आप चाहे तो इसकी जगह पे शहद भी डाल सकते हैं वन टेबल स्पून और यहाँ मेरे पास है सोया सॉस दो टेबल स्पून है ये मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च ये मैं इसमें शामिल करूँगी और सारी चीज़ों को कर लेना अच्छी तरह से मिक्स और ये हमारी मज़ेदार सी सॉस रेडी है अब यहाँ पे मेरे पास आधी प्याली मटर है और पांच अदद सब्ज़ मिर्चें ये मैं इस चॉपर में डाल लूँगी और मटर जो हैं वो बिल्कुल बॉयल वग़ैरह नहीं किया है उनको वैसे ही फ्रेश मटर है और इनको क्रश कर लेना लेकिन अगर ये वाला चॉपर ना हो तो आप मटर जो हैं उनको 50 परसेंट तक बोआइल कर लें अच्छी तरह से इनको चॉप कर लेना ये हमने इनको जो है वो क्रश कर लिया इन्हें साइड पे करेंगे और बाकी का, का काम करते हैं यहाँ पे मैंने और काफ़ी सारी माशाल्लाह सब्ज़ियाँ लिया हैं इनको हम क्योंकि बहुत हेल्दी बना रहे हैं यहाँ पे मेरे पास गाजर है ये एक कप है जिसको मैंने क्रश कर लिया है ये बंद गोभी है इसको भी मैंने इस तरीके से बरीक बरीक काट लिया है पालक है ये भी एक प्याली है और बंद गोभी भी एक प्याली है और यहाँ मेरे पास है सब्ज़ धनिया ये आधी प्याली के करीब है और आधी प्याली के करीब ही यहाँ प्याज़ है और शिमला मिर्च है चार पाँच टेबल स्पून के बराबर सारी कोशिश करें मौसमी और हेल्दी सब्जियाँ ज़रूर शामिल करें और ये जो हमने मटीरियल बनाया है मटर और इसका सब्ज़ मिर्च का वो भी इसमें शामिल कर लेंगे जो भी सब्जियां आप चाहे इसमें से स्किप कर सकते हैं और जो चाहे इसमें शामिल कर सकते हैं यहाँ दो आलू है मेरे पास इनको मैंने इस तरीके से पानी में रखा हुआ है ऊपर से इनके छिलके तार के क्योंकि जब भी आप ये स्नैक्स बनाना शुरू करें आलू को तभी आपने क्रश करना है वरना इसका जो है ना कलर काला हो जाता है आलुओं को मैंने क्रश कर लिया यहाँ मेरे पास है नमक वन टी स्पून खुश्क धनिया हल्का सा इसको हाथ से क्रश किया है वन टी स्पून ज़ीरा हाफ टी स्पून यहाँ पर दो चुटकी के बराबर मेरे पास अजवाइन है और काली मिर्चा चौथाई टी स्पून गर्म मसाला हाफ़ टी स्पून वन टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और लाल मिर्च का पाउडर है वन टी स्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी है और ये मीठा सोडा है दो चुटकी के बराबर इससे ज़्यादा नहीं इसको शामिल करना और ये मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अब इन चीज़ों के साथ यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी बेसन बेसन हमने उतना शामिल करना है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए और अभी हमने इसके ऊपर जो है ना वो पानी शामिल नहीं करना क्योंकि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी सारी सब्जियों में पानी होता है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम हल्का सा पानी इस्तेमाल करेंगे ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मैंने तकरीबन ये एक पाओ बेसन था जो मेरा लग चुका है पूरा और अभी भी हम इसको चेक करेंगे क्योंकि मटेरियल के हिसाब से कम या ज्यादा लग सकता है बेसन ये सारे मटेरियल को मैंने मिक्स कर लिया और वन टेबल स्पून सिर्फ मुझे पानी लगा और एक पाव बेसन लगा आप देख सकते हैं इस तरीके का होना चाहिए इससे पतला भी नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए अब जितना मतलब साइज आपने रखना है उतना आप मटीरियल ले लें बॉल की तरह हमने बनाना है और यहाँ दूसरी तर, तरफ जो है ना वो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम गर्म हमें चाहिए तब तक हम एक बैच को तैयार कर लेंगे फिर साथ साथ हम करते रहेंगे ऑयल मीडियम गर्म हो चुका है अब हम डालना शुरू करेंगे और उसके बाद हमने मीडियम और लो के दरमियान आग रखनी है ताकि अंदर तक जी पक जाएँ क्योंकि वैसे तो हमने हर चीज़ को क्रश करके डाला हुआ है बहुत पतला सा लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं करना कि अंदर से कच्चे ना रह जाए और अच्छी तरह ऊपर गोल्डन डार्क गोल्डन कलर आने तक हमने पकाना है ये देखिए माशाल्लाह जो साइड नीचे थी अच्छी तरह कलर आ चुका है इसी तरह का कलर हम दूसरी साइड पे भी लेके आएंगे फिर हम इनको निकाल लेंगे और देखिए माशाल्लाह इतने मज़े के के ऐसे ही देखते जो है ना वो अभी से खाने को दिल कर रहा है माशाल्लाह इतने कलरफुल बने हैं माशाल्लाह जिस तरह का कलर हमें चाहिए था वो आ चुका है अब ये रेडी है मैं निकाल लूँगी और बाकी को जो है वो इसी तरीके से मैं तैयार करूँगी माशाल्लाह देखें, देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बने हैं आखिरी बैच भी हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है अब दोबारा से कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे और दो टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है और इसी के साथ यहाँ मेरे पास है दो टेबल स्पून के बराबर लहसुन इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है इसी तरह काट के लेना इसका पेस्ट नहीं बनाना और इसको हमने तकरीबन पचास फ़ीसद तक जो है ना वो पकाना है गोल्डन की तरफ नहीं लेके जाना और कच्चा पानी भी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर ये लहसुन जो है ये फ्राई हो चुका है और अब जो सॉस हमने सबसे पहले बना के रखी थी वीडियो में वो डाल लेंगे इसमें और इसको जो है ना डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसको मिक्स करने के साथ ही जो स्नैक्स हमने बना के रखे हैं वो मैं इसमें डालूंगी और अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे माशाल्लाह देखे देख के मुँह में पानी आ रहा है जब इसको आप खाएंगे तो ऊपर से आपको ऐसे लगेगा जैसे आप कोरियन फ्राइड चिकन खा रहे हैं और अंदर से बिल्कुल पाकिस्तानी पकौड़ों का टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अब इस पॉइंट पे आके मैं इसके ऊपर थोड़े से तिल और अब इसको मैं नीचे उतार लूंगी अब इनको हम डिश आउट करेंगे एक तरफ मैंने सादा रख दिए जो कोई पसंद करे उसको आप सादा पेश करें और जो कोई पसंद करे उसको इस तरह कोटिंग के साथ पेश करें। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है और अब जो है ना इसके ऊपर हम फिर से तिल लगा देंगे और माशाल्लाह मैं आपको काट के भी एक दिखाती हूँ ये देखिए माशा उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोड की तरफ से अल्लाह हाफिज़